और इस बीच आपको लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेके भी बैठे क्योंकि उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। गारंटियां नहीं देना तो आपकी मोडस ऑपरेंडी है, आप दे देंगे, लेकिन पीछे की गारंटियों का हमें और दिल्ली की जनता को जवाब भी चाहिए। इसी भावना के साथ हम बड़े प्रसन्न मन से आज ये वचन पत्र झुग्गियों में भेजने के लिए आज शुरुआत कर रहे हैं। ये वचन पत्र सबके पास दिल्ली में जितने हमारे झुग्गी वासी और हैं जिनको भी घर नहीं मिला, उनको ये फॉर्म है, आप इस फॉर्म को भरिए, कहाँ रहते हैं बताइए, हमारे कार्यकर्ता सब ले लेकर के जाएंगे और ये इसको हम जमा करेंगे उस डिपार्टमेंट को जिसने 3024 लोगों को फ्लैट दे दिया है। जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको देना फिर से हमारा संकल्प है और ये एक संकल्प आप सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एमसीडी चुनाव को लेकर वचन पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। आप सुन रहे थे सांसद मनोज तिवारी को और ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर ली गई, हाथ में देख सकते हैं आप वचन पत्र लेकर आई है बीजेपी। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का ये वचन पत्र जारी हुआ है, तो बीजेपी का चुनावी वादों का घोषणा पत्र जारी हुआ है। एमसीडी चुनाव से पहले इस तरह से बीजेपी ने जो चुनावी वादे किए हैं इसको लेकर, चुनावी वादों को लेकर वचन पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बीजेपी की तरफ से वचन पत्र जारी किया गया है। एमसीडी चुनाव होने हैं और ऐसे में ये देखिए किस तरह से यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और ये वचन पत्र बताया भी गया कि ये सभी को भेजा जाएगा, झुग्गियों में भेजा जाएगा। एमसीडी चुनाव के पहले बीजेपी जिस तरह से पिछले लगातार कई सालों से 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार भी पूरी कोशिश बीजेपी की रहेगी वापस सत्ता में आने की, एमसीडी चुनाव जीतने की। और देखिए यही तैयारी बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है। वचन पत्र आज जारी हुआ है, वादों को पूरा करने की बात यहां पर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई बीजेपी की तरफ से और ये वचन पत्र जारी हुआ है बीजेपी का। एमसीडी चुनाव होने हैं, 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, नगर निगम का चुनाव 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे और किस तरह से अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं ये आप देख सकते हैं।